अस्सलामुअलैकुम, इसका नाम है और मैं इस्लामाबाद से ही हूँ और मोस्ट ऑफ माय लाइफ आई लिव इन द यूएस, मगर पिछले 6-7 साल से मैं इस्लामाबाद में हूँ और आज मैं अपने साथ 4 साथी भी लेके आया हूँ, लिटिल किटन्स ओनली 6 वीक्स ओल्ड। और ANF ने और UNODC ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है और मैंने एटलीस्ट नोटिस किया है पिछले 2 साल में एटलीस्ट देर इज़ इम्प्रूवमेंट इन द ड्रग इन्फोर्समेंट और रिडक्शन इन इस्लामाबाद विच इज़ अ प्लस। जो चीज़ मैंने 2016-17 में देखी थी वो इतनी नहीं है प्रेवलेंट ड्रग वाइज जो लास्ट 2 ईयर्स में, सो अच्छी इम्प्रूवमेंट है और इवेंट भी अच्छा ऑर्गेनाइज है। एज़ फार एज़ मीडिया जो ये जो एडवर्टाइजमेंट या जो कैंपेन है ये अच्छी हैं बहुत, मगर मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और मैं सच बोलूँगा मुझे पता है कितने लोग ड्रग्स ले रहे हैं और क्या कुछ नहीं हो रहा अंडर द टेबल। कई जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस मिली हुई हैं और पुलिस वाले भी। आप क्या सजेस्ट करेंगे एंटी नारकोटिक्स फोर्स को, आप क्या मशवरा देते हैं कैसे कंट्रोल पाएंगे? वेल वो एक तो क्वेश्चन उन्होंने पहले रेज़ किया, अगर सैलरीज नहीं बढ़ेंगी तो ज़ाहिर बात है दूसरे तरीके से तो लेंगे। अब मुझे कई चीज़ें पता हैं इस्लामाबाद में, मगर मैं ज़ाहिर बात है आई डोंट नो वेयर दिस इज़ गोइंग, तो क्योंकि इधर क्या कुछ नहीं होता। कुछ सजेस्ट करें बीइंग अ सिटीजन, आप क्या राय देते हैं कैसे बेहतरी आ सकती है, आपकी सजेशन क्या है? मैं कहूँगा मेरी सजेशन ये होगी कि अमेरिका ने 40 साल से ड्रग वॉर फॉर ए ड्रग वॉर बट नेवर वन एंड पाकिस्तान विल आल्सो नेवर विन। The rich will always have the money to buy drugs. So only ways to control is a complex answer. Touch karna hai? Why do you have that? वीवर्स, इस वक्त मेरे साथ बहुत प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। आज आलमी तरके मनशियात का दिन है और इसमें जहां बड़े बूढ़े जवानों ने हिस्सा लिया वहीं पर यहां आए हुए बहुत क्यूट से बच्चे, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, नाम बताएं अपना, ऊंचा बोलें। इज़ा। इज़ाम? इज़ा। इज़ा, कहाँ से आई हैं आप? घर से। क्यों आई हैं? क्योंकि मैंने इधर आना था। यहाँ आज क्या हो रहा है? यहाँ आज फंक्शन हो रहा है। किस चीज़ का फंक्शन? बच्चों का। गुड। अच्छा आप बताएं जी अपना नाम। मेरा नाम दुआ फातिमा है। दुआ फातिमा, आज आप क्यों आई हैं यहाँ पे? आज हम यहाँ लोगों को बताने आए हैं कि ड्रग्स गलत चीज़ है, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम आमना है और आज हम यहाँ पे NF डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमारे साथ हमारी एक बहन भी मौजूद है जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम नाहिद अंजू, मैं सीनियर स्काउट लीडर हूँ। मैं अपने टीम के साथ इसलिए आई हूँ कि ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए और इसके ख़िलाफ़ कोई मुहिम चलाएं हम और ड्रग्स ख़त्म हो जाए। हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में इतना ये जहर फैलाया हुआ है लोगों ने, तो ये ख़त्म होना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ सकें। अभी बस जो मैं तरके मनशियात के हवाले से आज जहां पर आपने देखा मैंने कवरेज की, मेरे साथ यहाँ बच्चे भी बूढ़े भी जवान भी, और ये हमारी एक बहुत अच्छी फैमिली आई हुई है। मैंने कहा अब एंड क्लोज इन पे किया जाए और इनके व्यूज़ भी लिए जाएं। सर पहले अपना तारुफ कराइए। मेरा नाम रज़ा काजी है, मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ। कहाँ से आप यहीं रहते हैं? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद जी। आपके साथ फैमिली और ये बच्चे इतनी गर्मी में, हाँ। क्या काज आपको यहाँ पे लेके आया? वजह इसकी ये थी कि एक तो इस बच्चों को इन्वॉल्व करने का मकसद ये है कि बाकी लोगों को भी इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो भी अपने बच्चों को अर्ली एज से जो है ना ड्रग्स के ख़िलाफ़ एजुकेट करना स्टार्ट कर, क्योंकि आप जब छोटे बच्चों को बताना शुरू करेंगे और उनमें अवेयरनेस फैलाएँगे वो फिर आगे जा के अपने जब फ्रेंड्स और कम्युनिटी में जाएंगे तो वो उसको ड्रग्स के खिलाफ एक खुद भी नशा नहीं करेंगे और दूसरों के पीयर प्रेशर में भी नहीं आएंगे और दूसरों को भी मना करेंगे। बहुत अच्छी बात जी, ये प्यारे प्यारे से बच्चे हैं जी, हमारी इस कौम की बेटियां। मैं इस गुड़िया मुझे बहुत अच्छी लगी है जी, इससे हम ज़रूर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ुबा, मुझे बहुत मज़ा आया आज यहाँ आकर। मैंने आर्मी भी देखी और मुझे रेंजर्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मुझे उनके साथ भी बहुत मज़ा आया और मुझे वॉक करके बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा मुझे।
अच्छा मुझे आप एक बात बताएं ना, इधर आगे आ जाए ना, रेंजर्स आर्मी अंकल बहुत अच्छे होते हैं, मैं भी उनको ऐसे सलूट करता हूँ, आप भी आज ज़रा सलूट करें। मैंने किया था अभी, करें ना कैमरे को सलूट करें आप, अच्छे लोग। अच्छा आप मुझे ये बताएं, ये जो नशा करते हैं ड्रग्स, अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है, बहुत नहीं करनी चाहिए ना। आप सब बच्चों को क्या मैसेज देंगे कि ये ऐसी चीज़ें नहीं करनी? डोंट डू ड्रग्स, हम ये मैसेज देंगे। प्यारी सी बेटी जी हमारी, और ये जज्बे हो तो इंशाल्लाह हमारी कौम कभी ख़राब नहीं हो सकती है। गुड़िया बेटी हमारी जी मौजूद है, अपना नाम बताएं जी। मेरा नाम सुबुल काजी है। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? 8 में। माशाल्लाह जी, मेरे से हाइट पर बड़ी हो गई है माशाल्लाह। अब क्या कहेंगी, ये नशा ड्रग्स आज जो आपने ये सब कुछ? मैं कहूँगी कि ये आप लोग बहुत अच्छा एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं सारी दुनिया को, और हमें ड्रग्स नहीं करने चाहिए, और आगे वाली नस्ल को भी पता होना चाहिए कि वी से नो टू ड्रग्स। नशा अच्छी बात नहीं है। मेरा नाम खालिद काजी है और मैं इस्लाम आबादी है। हमारे वालदैन का ही फ़र्ज़ है कि जब तक हम अपने बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में ले कर नहीं आएँगे और ये पैगाम इन तक नहीं पहुँचाएँगे कि नशे के और ड्रग्स के किस कदर नुकसान हैं, तो इन तक कैसे ये पहुँचेगा? तो ये हमारा बुनियादी तौर पर फ़र्ज़ है। अगर ये बच्चे आज इस तरह बात आपसे कर रहे हैं तो ये बात इन तक जो है पहुँचाई गई है, बताई गई है, वालदैन ने इनको बताया है कि आपने अपनी ज़िंदगी में इन इन चीज़ों से बच के रहना। तो ये बेसिकली बुनियादी तौर पे वालदैन का फ़र्ज़ है कि वो बच्चों में ये अवेयरनेस पैदा करें, ताकि वो फिर आने वाली नस्लों में ये अवेयरनेस पैदा करें। ये चेन इसी तरह चलती है, अगर इस चेन को आप तोड़ेंगे कहीं से बीच में तो फिर वो मैसेज जो है ना वो फोत हो जाएगा, और फिर नस्लें इसी तरह जो कौमें ख़राब हुई, तबाह हुई, वो इसी तरह हुई कि वालदैन ने और माशरे ने अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं किया और उन बच्चों और उन छोटी जो आने वाली नस्लों तक ये पैगाम नहीं पहुँचाया कि सही क्या है और गलत क्या है। बहुत शुक्रिया सर। गुड़िया आप बताएंगी कुछ? ये प्यारी सी बेटी जी, ये बेटियां आपको पता है सईद अली बाबा को वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं। अपना नाम बताएं ना पहले। महरोश काजी, मेरा नाम महरोश काजी। आप कौन सी क्लास में हैं? 7th। 7th में, ज़बरदस्त। आज आपने ये अपने फैमिली के साथ अटेंड किया, कैसा लगा आपको? बहुत मज़ा आया, और सब आर्मीज़ के साथ फिर के और सारे माहौल में बहुत मज़ा आया था। आर्मी अच्छी लगती है? बहुत ज़्यादा। हम सब सलूट करते होते हैं, अगर आप भी ऐसे सलूट करें ना। फौज को सलूट है जी, कौमी इदारों को सलूट है, और ये बच्चे हमारे। अच्छा आप क्या कहती हैं, ये स्मोकिंग, नशा, ड्रग्स अच्छी बात है बुरी बात है? बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी सब फ्रेंड्स को, बड़ों को, सबको ये मैसेज देंगे? Say no to drugs. मैसेज दें, और अपनी स्टूडेंट फ्रेंड्स को भी कि सब ने मिलकर काम करना है, नशा कोई भी ना करे, सबको मना करें। Say no to drugs. लड़कियों के मामले में माँ का ताल्लुक बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो उनकी जो मामा हैं उन्होंने इनको बहुत आला तरबियत दी है इस मामले की। हमारे कैमरे में नहीं आना चाहती, हम क्या करें, हम तो कहते हैं आ जाए, अपना व्यू दें। घर में माँ का बहुत अहम बेटियों के साथ इंटरेक्शन होती है और उनका तरबियत में बहुत ही कलीदी किरदार होता है, इसलिए माओं को तो स्पेशली क्रेडिट जाता है इस बात का कि वो अपने आने वाली नस्लों को अच्छाई और बुराई में तमीज़ सिखाएं। मामा अच्छी हैं बाबा? मामा दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छे, दोनों तो पॉलिटिक्स होगी। मामा अच्छी हैं बाबा? इक्वल पॉलिटिक्स हैं, एक कोई बंदा तो ज़्यादा अच्छा। मामा ज़्यादा, मामा ज़्यादा अच्छी हैं। मैं मुझे तो पता लगे आपको मामा मारती हैं, बाबा मारते नहीं हैं। नहीं वो मार तो फिर सब पड़ती है ना, लेकिन मार क्यों पड़ती है ये भी बताओ ना। वो तो हरकतों से कभी कभी पड़ जाती है। बच्चे जी माशाल्लाह मासूम, और आज के प्रोग्राम आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको पता है सईद अली बाबा कोशिश करता है कि एंड बच्चों पर ही हो और ख़ासकर बेटियों पर हो। बेटियाँ हम सब की अल्लाह की तरफ से दी हुई वो रहमत है जिसका कोई हिसाब ही नहीं हो सकता, ये हम पर अल्लाह का ख़ास फजल व करम है। आज का प्रोग्राम कैसा लगा सईद अली बाबा को अपने कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आपका अपना चैनल BFP TV, ब्राइट फेस ऑफ पाकिस्तान, ये आज के ब्राइट फेस ऑफ पाकिस्तान जहाँ तक मैं दिखा सकता था, मेरी बसात थी आपको दिखाए। कैसा लगा अब फैसला आपने करना है, और मेरे प्रोग्राम को अच्छा है बुरा है इसके बारे में आपने बताना है। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।